सो तुम इस वीडियो पे आए होगे अपने चैनल को बूस्ट करने, बट अगर तुम इस वीडियो को नहीं देखोगे तो तुम्हारा चैनल ग्रो होने के बजाय और भी डेड हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि ऐसा तो सही बोलते हैं, सो दैट इज द टॉपिक। तुम दूसरे क्रिएटर के वीडियो पर जाओगे एंड ऑल्सो वहाँ भी तुम्हें यही सुनने को मिलेगा। तो 70% तुम उस वीडियो पर थंबनेल के जरिए जाते हो एंड तुम उस वीडियो की नॉलेज तो लेते ही हो, साथ में उसका थंबनेल देख के अपने थंबनेल को भी उसकी तरह बनाने की कोशिश करते हो। सो तुम वो थंबनेल लगाते हो एंड तुम्हें उस पर अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने के 70% चांसेस रहते हैं। तुम्हारी ऑडियंस तो उस वीडियो को देखेगी बट दे विल नॉट अप्रिशिएट द थंबनेल एंड देन योर चैनल विल गो डेड। तो जैसे तुम देखो तो मेरे ग्रेजुएट थंबनेल पर ज़्यादा व्यूज आए हैं कम्पेयर टू दिस थंबनेल। तो अगर मुझे ये बात पता थी तो मैंने ये थंबनेल क्यों बनाया, तो इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट कि मुझे रीज़न नहीं पता था एंड सेकेंड आई नो द रीज़न बट देयर इज़ सम अदर रीज़न। तो इनमें से सेकेंड ऑप्शन सही है। वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो रीज़न जानने से पहले तुम्हें एक चैनल का एग्जाम्पल देने वाला हूँ, एलग्रो। तो अगर तुम एलग्रो के चैनल को देखो तो तुमने नोटिस किया होगा दैट ही चेंजेस हिज थंबनेल आफ्टर फ्यू वीडियोस। तो वो ज़्यादा तो रेड थंबनेल यूज़ करता है, फिर भी तुम्हें उसके थंबनेल्स में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों? सो इसके पीछे दो रीज़न है। फर्स्ट, कनेक्टिंग ऑडियंस विद थंबनेल। तो इसका मतलब है कि तुमको अपनी ऑडियंस को थंबनेल के जरिए कनेक्ट करना होगा, मतलब तुमको थंबनेल को किसी बड़े क्रिएटर के थंबनेल से मैच कराना होगा, लाइक विच क्रिएटर इज इन ट्रेंडिंग। सो इससे क्या होगा कि जो क्रिएटर ट्रेंडिंग में है उसकी ऑडियंस तुम्हारे थंबनेल को देखेगी एंड दे विल क्लिक ऑन इट, एंड तुम ऐसे ही थंबनेल्स बनाकर उन ऑडियंस को सब्सक्राइबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट इसमें एक डिसएडवांटेज भी है दैट अगर तुम एक ही क्रिएटर पर थंबनेल डिज़ाइन करोगे दैट तुम्हें एक फिक्स्ड ऑडियंस तो मिलेगी ही, बट फिर बाद में तुम्हारा चैनल पे न्यू व्यूअर्स नहीं आएंगे एंड तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं होगा। अब तुम बोलोगे कि तुम दूसरे क्रिएटर पर वीडियो बनाना शुरू कर दोगे, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट इससे तुम्हारा चैनल और भी डेड हो जाएगा एंड इसका सॉल्यूशन तुमको नेक्स्ट टिप में पता चल जाएगा। एंड द टिप नंबर टू इज़ कनेक्टिंग विथ ऑडियंस विथ थंबनेल। तो जैसा मैंने बोला कि देयर इज़ अ डिसएडवांटेज विथ टिप वन, सो उसका सॉल्यूशन टिप टू है। सो तुम एक क्रिएटर पर बेस्ड थंबनेल तो बनाओगे ही, साथ में तुम अपने भी एक थंबनेल डिज़ाइन करो जो ट्रेंडिंग क्रिएटर के थंबनेल से 20-30% मैच करे। सो इससे तुम्हारी जो ऑडियंस है वो भी नहीं जाएगी एंड तुम्हारी अलग से ब्रांड बन जाएगी और तुम्हारी ऑडियंस तुमको उस थंबनेल के ज़रिए पहचानेगी। तो जैसा मैंने बोला, एलग्रो अपने चैनल की थंबनेल इन दोनों टिप की वजह से चेंज करता है। तो हाँ, ये तो है, बट एक और रीज़न है इनके पीछे। तो वो है कि सिलेक्टिंग अ थंबनेल फॉर ऑडियंस, मतलब तुम्हारी ऑडियंस को ऐसा थंबनेल चाहिए जो सिर्फ तुमको प्रीफर करे, मतलब ना ही उसमें किसी का कॉपी हो एंड देयर इज़ योर ब्रांड ओनली। तो जैसे तुम्हारी ऑडियंस उस थंबनेल को देखेगी तो वो समझ जाएगी कि इट्स योर्स वीडियो, तो तुम्हारी वीडियो पे क्लिक करेगी एंड दे विल वॉच योर वीडियो। एंड वो तभी होगा जब यू आर क्रिएटिंग द कॉन्टेंट ऑन अ ट्रेंडिंग टॉपिक। एंड दिस इज़ अ रीज़न वाई एलग्रो इज़ यूजिंग रेड थंबनेल नाउ। एंड उसने अपना सीक्रेट भी बता दिया और वो धीरे धीरे अपने थंबनेल्स को चेंज करेगा बिकॉज उसने रेड थंबनेल काफ़ी यूज़ कर चुके हैं, सो ही विल चेंज हिज थंबनेल। सो हियर द वीडियो एंड्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दो लाइक एंड चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब।